सुप्रभात बच्चों, मैं रितिका आज आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 आलसी गधा की कहानी सुनाऊंगी। देखो बच्चों, इसमें जो ये कहानी दी हुई है ये एक गधे के ऊपर है जो बहुत आलसी था। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। एक व्यापारी के पास एक गधा था। देखो बच्चों, व्यापारी कौन होता है? व्यापारी वो होता है जो सामान को बेचता है और बदले में जो है पैसे लेता है, हम उसको व्यापारी कहते हैं। तो जो एक व्यापारी था उसके पास एक गधा था। वह गधा बहुत आलसी तथा चालाक था। तो जो गधा था वो बहुत ज्यादा आलसी और चालाक था। एक दिन उसके मालिक ने बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। जो उसका मालिक था गधे का, उसने सोचा कि वह बाजार जाकर कुछ नमक बेचकर आता है। वह अपने गधे की पीठ पर नमक का एक बोरा रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। फिर उसने क्या किया, गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा और बाजार की तरफ जो है उसको गधे को लेकर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों रास्ते में नदी को पार करने लगे, अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। तो जैसे ही बच्चों वो जो मालिक था और जो गधा था वो रास्ते में चलने लगे, तो अचानक से क्या हुआ, एक नदी आई और नदी में जब वो उसको पार करने लगे दोनों, तो जो गधे का पैर है वो वहाँ पर फिसल गया और जो गधा है वो नदी में गिर गया। गधे को चोट तो नहीं लगी, पर खड़े होने पर उसे ऐसा लगा कि उसके पेट पर रखे नमक के बोरे का बोझ कम हो गया है। यहाँ बोझ का अर्थ है वजन या भार। तो जब गधा जो है वो खड़ा हुआ, तो उसे लगा कि उसको चोट तो नहीं लगी, पर उसकी जो पीठ पे वजन रखा हुआ था वो क्या हो गया, उसको कुछ कम लगने लगा। क्यों कम लगने लगा बच्चों? क्योंकि उसकी पीठ पे नमक का बोरा रखा था और आप सभी को पता है कि नमक जो है पानी में घुल जाता है। तो जैसे ही वो नदी में गिरा, तो जो बोरे के अंदर नमक रखा हुआ था वो पानी में घुल के चला गया और थोड़ा सा नमक ही जो है वो इसकी पीठ पर बचा। तो इसलिए उसको जो है अपने जो पीठ पे रखा हुआ जो वजन था वो कम लगने लग गया। दूसरे दिन गधा फिर से नमक का भरा बोरा लेकर चल दिया। अगले दिन क्या हुआ, फिर से जो है उसने उसके मालिक ने नमक का जो बोरा है उसकी पीठ पे रख दिया और वो दोबारा बाजार की तरफ चल पड़े। अब वह जानता था कि उसको क्या करना है। गधे को अब अपनी पीठ पर लदा बोझ कम करना था। अब गधे को पता था कि उसे क्या करना है। कल भी जो है उसका वजन कम हो गया था, तो आज भी जो है वैसे ही वो अपनी पीठ पर लदा जो बोझ है वो कम करेगा। अतः जब गधा और उसका मालिक नदी को पार करने लगे, तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसलकर गिर पड़ा। तो जैसे ही उसने पहले किया था वैसे ही उसने अब किया, वो नदी में पैर फिसलने का नाटक करने लगा और दोबारा जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। इस बार फिर से उसे अपनी कमर पर रखा नमक का बोझ कम लगने लगा। उसने सोचा ये ठीक हुआ। उसने सोचा कि जैसा उसने सोचा था कि उसका जो बोझ है कम हो जाएगा, तो इस बार भी वैसा ही हुआ। नमक जो है वो पानी में पिघल गया और उसका जो बोझ है वो कम हो गया। अब देखो बच्चों, गधे के मालिक ने उसकी ये चालाकी पहचान ली, परंतु इस बार क्या हुआ, मालिक को पता चल गया कि गधा जो है जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया, तो मालिक को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि जो है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो इसलिए क्योंकि उसने नमक के बोरे में से काफी नमक बह गया था, क्योंकि उसका नमक बहुत ज्यादा बह गया था, इसलिए जो मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गधे को सबक सिखाना चाहा, तो मालिक ने सोचा कि अब वो जो है वो गधे को सबक सिखाएगा। दूसरे दिन गधे का मालिक गधे की पीठ पर रुई से भरा बोरा रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा। तो अगले दिन क्या हुआ, जो मालिक है उसने क्या किया, गधे की पीठ पर नमक की जगह पर रुई का बोरा रख दिया और उसे दोबारा से बाजार लेकर चलने लगा। गधे ने सोचा कि फिर से उसको अपनी चाल चलनी चाहिए। तो गधे को नहीं पता था कि उसकी पीठ पे नमक का बोरा है या रुई का, तो उसने सोचा कि वह आज भी वैसे ही जानबूझकर गिर जाएगा। जब वे दोनों नदी पार करने लगे, तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया ताकि उसकी कमर पर रखा बोझ जो है वो कम हो जाए। तो इस बार जैसे ही नदी आई, गधे ने वही किया, दोबारा जानबूझकर नदी में गिर गया, जिससे कि जो उसका बोरा है वो पानी में गिर गया। परंतु
जो इस बार जो है क्या हुआ, उसका बोझ कम नहीं हुआ, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ, उसकी कमर पर रखे बोरे में भरी रुई ने अपने अंदर पानी सोख लिया और उसकी कमर पर रखा बोझ और अधिक भारी हो गया। तो इस बार क्या हुआ, जब वो पानी में उसका बोरा गिरा तो उसमें जो रखी रुई थी उसने जो है नदी का पानी सोख लिया और जो बोरा है वो बहुत ज्यादा भारी हो गया। अब चालाक गधे को तो वह बोझ लेकर चलना ही था, परंतु अब क्या करता, गधे को तो जो बोझ उसने लिया हुआ है वो लेकर चलना ही पड़ा। परंतु अब गधे को समझ में आ गया था कि यदि हम चालाकी करके काम को टालते हैं तो हम और भी अधिक परेशानी या संकट में फंस सकते हैं। परंतु अब गधे को पता चल गया था कि अगर आप कोई भी चालाकी करके इस काम को टालोगे तो आप और अधिक परेशानी में फंस जाओगे। तो इस कहानी से बच्चों, आलसी गधा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। अगर हम काम को टालते हैं तो हम और भी ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप सभी को अपना होमवर्क जो है वो टाइम पे करना चाहिए। अगर आप कहोगे कि कल करूँगा तो बहुत ज़्यादा आप परेशानी में फंस जाओगे। अब बच्चों हमें देखो यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, अब हमें इसको याद करना है। आलसी जिसको हर काम में सुस्ती आती है, आलसी जिसको हर काम में सुस्ती आती है, चालाक चालबाज, चालाक चालबाज, बोझ वजन भार, बोझ वजन भार, कामचोर काम से जी चुराने वाला, कामचोर काम से जी चुराने वाला, क्रोध गुस्सा, क्रोध गुस्सा, संकट विपत्ति दुख, संकट विपत्ति दुख। ये बच्चे शब्दार्थ थे। अब देखो हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले है, व्यापारी का गधा कैसा था? बताओ बच्चों, व्यापारी का गधा कैसा था? यस, व्यापारी का गधा जो है आलसी और चलाक था। पहले व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा? बताओ बच्चों, पहले व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा था? पहले व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा। व्यापारी के पास क्या था? बताओ बच्चों, कहानी किसकी है? गधे की है। तो व्यापारी के पास क्या था? व्यापारी के पास गधा था। नमक का बोरा किसकी पीठ पर रखा था? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा बच्चों, नमक का बोरा किसकी पीठ पर रखा था? नमक का बोरा जो है गधे की पीठ पर रखा था। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें उन विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चालाक कौन था? कौन था चालाक? किसने चालाकी करी थी? गधे ने। तो चालाक कौन था? गधा। गधे की पीठ पर क्या रखा था? चीनी का बोरा, मिर्च का बोरा, नमक का बोरा। बताओ बच्चों, क्या रखा था गधे की पीठ पे? नमक का बोरा। तीसरी बार व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा? अब बताओ बच्चों, तीसरी बार जो व्यापारी ने क्या रखा था? नमक का बोरा, रुई का बोरा, चीनी का बोरा? यस, रुई का बोरा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं गद्यांश। गद्यांश क्या होता है बच्चों? हमें कहानी में से कुछ लाइनें दे दी जाती हैं और हमें उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। हमें उन प्रश्नों के जो उत्तर है वो उन लाइनों में से ढूंढकर जो है वो लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास एक गधा था, वह बहुत आलसी तथा चालाक था। एक दिन उसके मालिक ने बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। वह अपने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों रास्ते में नदी को पार करने लगे, अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। तो ये हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है। अब इसके आधार पर हमें प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला है, गधा किसके पास था? तो ये हमें प्रश्न है। देखो बच्चों, इसका आंसर है, एक व्यापारी के पास एक गधा था। पर आपने ये लाइन ऐसे उठा के नहीं लिखनी है। देखो बच्चों, प्रश्न हमें दिया हुआ है, गधा किसके पास था? तो जैसे हमें प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है, हम जो उत्तर है वो उसी में ही लिखेंगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, गधा किसके पास था? गधा व्यापारी के पास था। आप पूरी की पूरी लाइन ऐसे उठा के नहीं लिखोगे बच्चा, जैसे प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर आपने उत्तर
देना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन व्यापारी ने क्या सोचा। अब आप यहीं से स्टार्ट नहीं करोगे, आप यहाँ प्रश्न से स्टार्ट करोगे। एक दिन व्यापारी ने बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। देखो लाइन यहीं पर ही है, बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। नेक्स्ट है, नदी को पार करते समय अचानक क्या हुआ। अब आप यहीं से ही स्टार्ट करोगे, नदी को पार करते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। तो ये आपको गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, आपको जैसे मैंने अभी समझाया है आपको वैसे ही इसके उत्तर जो है वो लिखने हैं। अब हमें नेक्स्ट है, खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमें इसमें आंसर लिखना है। देखो सबसे पहले है, गधे के मालिक ने उसकी डैश पहचान ली। क्या पहचान ली थी? उसकी चालाकी। गधे को अपनी पीठ पर लदा डैश कम करना था। क्या कम करना था? उसे बोझ। गधा फिर से डैश नदी में फिसल गया। फिर से कैसे नदी में? जानबूझकर नदी में फिसल गया। उसकी कमर पर रखा बोझ और ज्यादा डैश हो गया। क्या हो गया था? उसका भारी। नेक्स्ट है बच्चों, हमें यहाँ पे कहानी में से कुछ लाइनें दी हुई हैं, पर हमें जो लाइनें हैं वो ऊपर नीचे दे दी हैं, हमें उसको क्रम में लगाना है। तो देखो बच्चों, पहले लाइन है, दूसरे दिन गधा फिर से नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया। गधा बहुत आलसी तथा चालाक था। गधे को चोट तो नहीं लगी, मालिक को बहुत क्रोध आया। तो पहली लाइन क्या है? गधा बहुत आलसी तथा चालाक था। दूसरी लाइन क्या है? गधे को चोट तो नहीं लगी। तीसरी क्या है? दूसरे दिन गधा फिर से नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया। और लास्ट में क्या लिखोगे? मालिक को बहुत क्रोध आया। नेक्स्ट है बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, हमें इसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा। बताओ बच्चों, रुई का बोरा? नहीं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन तो व्यापारी ने नमक का ही बोरा रखा था, तो क्या आएगा? दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा। गधा नदी में क्यों गिर पड़ा? उसका आंसर है, यहीं से, नदी को पार करते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। नेक्स्ट देखो ऐसे है, नदी को पार करते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। नेक्स्ट है, गधे को सबक किसने सिखाना चाहा। गधे को सबक किसने सिखाना चाहा? गधे को सबक उसके मालिक ने सिखाना चाहा। आगे है, हम परेशानी में कब फंस सकते हैं। बताओ बच्चों, देखो हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जब हम चलाकी कर काम को टालते हैं तब हम परेशानी में फंस सकते हैं। देखो बच्चों, अब आगे है हमारे पास, हमें यहाँ पे ता लगाकर जो है शब्द बनाना। जैसे हमें पात्र दिया गया है, पात्र के जो है हमें यहाँ पर ता लगाना है। पात्र, पात्रता, शत्रु, शत्रुता, सरल, सरलता, निर्मल, निर्मलता, दीन, दीनता, शीतल, शीतलता। अब हमारे पास देखो यहाँ पे वाक्य बनाओ है, हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमें उसके वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है चालाक, चालाक पे वाक्य बनाओ, चालाक, गधा चालाक था। आलसी, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। कमर, हमें कमर सीधी करके बैठना चाहिए। सिखाना, हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो आलसी गधा की जो चैप्टर है, लेसन है, वो खत्म होता है। आप सभी बच्चों को इसका जो अभ्यास कार्य है वो याद करना है और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। धन्यवाद।